सुन्नत खिलाफ अज़ा है, इसलिए हर अज़ादार हर वो काम छोड़ देता है जो सबब ज़ीनत हो और हर वो रविश अपनाता है जिससे गमजदगी का इजहार हो। और मैं यही अपने जवान बच्चों से और बेटियों से कहूंगा कि तुम्हारे लिबास भी सादा होना चाहिए, खाली काला रंग गम का इजहार नहीं करता, लिबास की कैफियत भी सादा होना चाहिए, उसका मॉडल भी सादा होना चाहिए, उसका डिजाइन भी सादा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरी बेटियां खाली काले कपड़े पहनने मुतमईन हो जाएं और उसके डिजाइन रोज चेंज हो, रोज कपड़े बदले जाएं, मजालिस में रोज नए कपड़े, नए काले रंग के कपड़े पहनकर जाना नहीं, गमजदा की कैफियत होना चाहिए। अगर किसी के घर में जनाजा रखा हो, सिबुम ना हुआ हो, चेहलुम ना हुआ हो, तो बेटियां और बेटे, भाई और खानदान के लोग किस तरह होते हैं, उन्हें अपने लिबास का होश हवास नहीं होता। उसी तरह अय्याम अज़ा में ये खाली काले कपड़े पहन लेना काफी नहीं है, इसके साथ सादगी जरूरी है, लिबास से गमजदगी का इजहार होना चाहिए। अगर लिबास का रंग उड़ गया है तो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है, जितना सादा है उतना अच्छा है। ये बातें जरूरी हो गई मुतवज्जे करना। कहीं कहीं हम कुछ चीजों को दीन से बदल लेते हैं और उसकी हिकमत और फलसफे को नहीं समझ पाते। खाली काले कपड़े अदादारी का इजहार नहीं है, काले कपड़े तो आजकल बहुत सी जगहों पर शादियों में पहने जाते हैं, खुशियों में पहने जाते हैं, डिनर सूट काले होते हैं। असल चीज है कि हमारे लिबास से इजहार गम हो, हमारी कैफियत से इजहार गम हो। खुदा ना करे ऐसा ना हो कि मुहर्रम से पहले ब्यूटी पार्लर वाले कहें कि आजकल हमारे यहां मदरफ बढ़ जाती है। खुदा ना करे ऐसा ना हो, यह आजादारी की तैयारी नहीं है। अल्लाह ने मलाइका समावात नाज़िल किए हैं हुसैन के गम को मनाने के लिए,